नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बेशकीमती सागौन के वृक्ष की अवैध कटाई पर अंकुश लगाने पर असफल वन विभाग, माफिया के खिलाफ वन विभाग की निष्क्रियता दर्शा रही मिलीभगत को। बालाघाट जिला वन संपदा के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है, जिसके कारण वन माफिया की नजर इस जिले के बेशकीमती वृक्षों पर हमेशा लगी रहती है। बेशकीमती सागौन के वृक्षों की अवैध कटाई की जानकारी जिले के अलग अलग हिस्सों से आ रही है। लामता वन विकास निगम के लालबर्रा परियोजना परिक्षेत्र में भारी मात्रा में सागौन की अवैध कटाई का सिलसिला निरंतर जारी है। हाल ही में लालबर्रा क्षेत्र अंतर्गत सागौन के जंगल में पेड़ों की धड़ल्ले से कटाई वन माफिया के द्वारा की गई है। इसके बावजूद भी वन विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार की सक्रियता न दिखाना कर्मचारियों की व अधिकारियों की मिलीभगत को दर्शा रहा है। विडंबना यह है कि जिस स्थान पर सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई हुई है वह स्थान वन चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर ही है। बता दें, लालबर्रा रेंज के सैलवा पगदई सालबैरी बीट के अंतर्गत कक्ष क्रमांक 393, 394, 398 और 388 व 390 हाल ही में दर्जनों संख्या में सागौन के पेड़ काटे गए हैं। यहां पेड़ काटे गए हैं वहां दर्जनों के पेड़ों के टुड्डू अब भी साक्ष्य बने अड़े हैं। इसके बावजूद भी लालबर्रा रेंज के बीट अधिकारियों द्वारा इसे गंभीरता से न लेना माफिया के हौसले को बुलंद कर रहा है। वन विभाग की निष्क्रियता यूं चलती रही तो जिले के जंगलों से बेशकीमती सागौन के वृक्ष समाप्त होने में समय नहीं लगेगा। इस मामले में वन परिक्षेत्र अधिकारी MS श्रीवास्तव ने बताया कि प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और मामले की जाँच भी शुरू कर दी गई है। बालाघाट देवेंद्र ब्यूरो चीफ की ये रिपोर्ट। सर, लालबर्रा क्षेत्र के कुछ बीच में वनों की कटाई का मामला सामने आया था, आपके विभाग ने मामले के संज्ञान में कुछ कार्रवाई की, क्या सामने आया? हाँ, कुछ अवैध कटाई की सूचना मिली थी जिसको लेकर मैंने अपने संभागीय उप प्रबंधक और परिषद अधिकारी को निर्देशित किया था और लोगों ने जाकर जांच की है, प्रकरण पंजीबद्ध कर लिए और कार्रवाई की जाए। कितने पेड़ों के सामने आया था? अभी प्रकरण मेरे सामने आई नहीं। इसमें कुछ संदिग्ध विभाग के अभी प्रकरण आया नहीं, जब तक प्रकरण नहीं आया तो कुछ कह नहीं सकते। तो कार्रवाई कहाँ तक होती है सर, जैसे मामला संज्ञान में लिया गया? प्रकरण कायम कर लिया है, चूटों की गिनती कर ली है, उन पर हैमर लगा दिए, नंबर डाल। तो जैसा देखा जाए कि वन विभाग में इतनी फोर्स होती है, क्षेत्र बड़ा होता है, लेकिन पहले किस प्रकार की? नहीं, आप गलत कह रहे हैं, ये वन विभाग नहीं है, ये राज्य वन विकास निगम है, इसमें स्टाफ की कमी है। क्या एक्शन लेना चाहिए सर? जैसे एक्शन ले रहे हैं, हमारे पास जो भी स्टाफ है उसी सीमित संसाधन है, उससे हम कार्रवाई कर रहे हैं।